ये हरदा का घंटाघर। हम आए हैं हरदा में, हरदा सिटी में राम मंदिर। और इस राम मंदिर की खासियत ये है कि श्री सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इन्होंने इन राम जी को यहाँ पे लाया था, इन्होंने ही बिठाया था। देखिए पट्टा भी राम मंदिर हरदा, मंदिर बना है 1900 में, लेकिन गोंदवलेकर महाराज ने पहले ही यहाँ पे राम जी को लाया। प्राचीन राम मंदिर वैसे का वैसा ही है। नर्मदे हर। हम आए हैं राम मंदिर, श्री गोंदवलेकर महाराज जी यहाँ पे। और ये देखिए अष्टविनायक यहाँ पे है। अष्टविनायक जिस जिसको पता नहीं है वो यहाँ पे देख लीजिए अष्टविनायक। ये अष्टविनायक है और ये ब्रह्म चैतन्य श्री गोंदवलेकर महाराज। दत्त सांप्रदाय गुरु सांप्रदाय के गुरु है। चलिए अब इन्होंने स्थापन किए हुए श्री राम मंदिर जी के, पट्टाभी राम मंदिर हरदा, इनके दर्शन के लिए आए हैं। ऐसे दर्शन दोस्तों और कहीं नहीं मिलेंगे आप, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं दर्शन करके आया हूँ। ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी, इनकी एक अलग ही स्थान है। देखिए प्राचीन मंदिर वैसे का वैसे रखा गया है। देखिए सिद्धि विनायक जैसे विनायक है यहाँ पे। और ये कला देखिए उस समय की कला है। रख रखाव मंदिर का बहुत सुंदर है। दत्त भगवान दास हनुमान जी और यहाँ पे नर्मदा माता है। ये दो जलधारी का है, डबल जलधारी का है, मतलब ये एक है ये एक है, और दोनों पुरानी है। एक ब्लैक स्टोन में है एक रेड स्टोन में। रामदास स्वामी मंदिर देखिए जैसे का तैसा ही है, प्राचीन वैसी बनावट जैसे पहले थी। रख रखाव बहुत अच्छा है मंदिर का। और अब राम जी के दर्शन। श्री गोंदवलेकर महाराज और चरुण पादुकाएं। राम जी सीता जी और पीछे उनके तीन भाई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी और दास हनुमान जी चरणों में। ऐसी मूर्ति शायद और कहीं नहीं है, यहीं पे है। ये जिला हरदा में है, हरदा सिटी में श्री गोंदवलेकर महाराज जी ने अपने हाथों से यहाँ पे स्थापित किए हुए राम जी। ये श्री गोंदवलेकर महाराज, ये उनकी ओरिजिनल फोटो है, वो कहीं नहीं है यहीं पे है। हाँ जी उनकी गद्दी।
अगर आपको इनके दर्शन करने हैं तो यहीं आना पड़ेगा, हरदा में, हरदा सिटी में। नहीं इससे किया नहीं, खूब नुकसान करी। हम मिलने वाले हैं अब श्री गोडबोले जी, जो यहाँ पे मंदिर और राम जी की सेवा करते हैं, और राम जी के बारे में बताएंगे कुछ, इस मंदिर के बारे में बताएंगे कुछ। आइए, नर्मदे हर, जय श्री राम। तो आप अपना नाम से शुरुआत कीजिए और मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम दिलीप गोडबोले है और पट्टाभिराम मंदिर में आप लोगों का सबका स्वागत है। ये जो आप झांकी देख रहे हैं या जो मूर्ति देख रहे हैं, ये राम जी को जब राज्याभिषेक हुआ था, राम जी जब वनवास से लौटे थे तब की झांकी है ये। और जब राम जी को राज्याभिषेक हुआ तो उन्हें राज्य करने का अधिकार मिला, पट्टा मिला, इसलिए इस मंदिर का नाम पट्टाभिराम मंदिर। क्योंकि जब अयोध्या का राज मिला तो अयोध्या का राज के साथ उनको शासन करने का अधिकार मिला, और शासन करने का अधिकार मिला तो यहाँ की मूर्तियाँ राज्याभिषेक जब हुआ था वो ही ध्यान है, इसलिए इसका मंदिर को पट्टाभिराम कहा गया। इसमें बीच में राम सीता है, आजू बाजू पीछे बाकी भाई हैं, पैर के पास हनुमान जी है, और ये जो समई जो रखी हुई है, जो दिया रखा हुआ है, उसके पीछे साइड वशिष्ठ जी की मूर्ति है। अच्छा, दिखती नहीं है, मतलब वो ढक सी रही है, उस कारण है वो क्यों ढक गई, उसको सेपरेट से वो लगे हुए हैं, किनारे पे लगे हुए हैं, उसके कारण वो मूर्ति ढक गई। ये पूर्व में आपके द्वारा ही बताया गया कि ये गाड़ी है, यहाँ राम महाराज जी की फोटो लगी हुई है, यहाँ की निकली हुई है। और आगे अपन जाएंगे वहाँ चौबट्टे पे, जहाँ आगे हम यहाँ जाते हैं तो ये सामने जो मूर्तियाँ हैं जिसमें दत्तात्रेय जी, हनुमान जी, और नीचे साइड में मेरे राइट हैंड तरफ ये नर्मदा जी की मूर्ति है। हाँ जी, ये ये हाँ ये नर्मदा जी की मूर्ति, ये चतुर्भुज नर्मदा जी है। हाँ, ऊपर के दो हाथों में एक में शंकर भगवान जी है, जिसको आप उसको शिवपिंडी कहो, और इधर गणेश जी। नीचे के दो हाथों में एक में कमंडल है और एक में माँ जप की माला है, जप की माला। ऊपर भगवान कृष्ण जी का मूर्ति है, यहाँ हनुमान जी, हाँ ये दास हनुमान जी की मूर्ति है, ये दत्तात्रेय जी की मूर्ति, और चतुर्भुज मूर्ति मैया की, नर्मदा मैया की, शायद यही है। हाँ, चतुर्भुज अधिकांश मतलब खड़ी खड़ी है, और उनके ऊपर मतलब मगर के ऊपर आती है, यहाँ ये पैदल जा रही है, पैदल चल रही है, और इनके हाथ में कमंडल माला, और जिस प्रकार आप देख रहे हैं मूर्ति, ऐसी मूर्ति यही पे, हाँ यही पे, और ये उसी समय की है, उसी समय की, उसी है। समय इस मंदिर की स्थापना 1900 में हुई है, 1900 में। ठीक, बहुत अच्छी जानकारी। ऊपर श्री रामदास स्वामी जी, अपने शिवाजी महाराज जी के गुरु जी रामदास, हाँ जी, इनको तो कौन नहीं जानता होगा। बहुत सुंदर मूर्ति है, और सारी मूर्तियों का अलग ही इतिहास है, और आपने ये जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद। और आप राम जी की सेवा कर रहे हैं, भाग्यवान लोगों में से एक आप, और इनके सेवा कर रहे हैं जो श्री गोंदवलेकर महाराज जी ने अपने हाथों से स्थापित किए, धन्यवाद। तीसरी पीढ़ी है हमारी, अरे वाह, तीसरी पीढ़ी सेवा कर रही है आप यहीं पे। हाँ।
दादाजी दादाजी बाद हमारे पिताजी अभी आ नाम बता पाएंगे उनके? हमारे दादाजी का नाम था महादेव गोड़बोले, पिताजी का नाम लक्ष्मण गोड़बोले, मेरा नाम दिलीप गोड़बोले। हाँ जी, माता जी का नाम? हाँ जी, आप सब लोग यहाँ पे सेवा करते हुए हैं। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद आप जानकारी देने के लिए। और आपसे मिलना हुआ तो यहीं पे आए, प्रेक्षक हमारे यहीं पे आएंगे और राम जी से तो मिलना होगा ही। तो धन्यवाद जानकारी के लिए। जय श्री राम, नर्मदे हर। मी सगळं करून आले। देखिए पुराना मंदिर आप देख रहे हैं अष्टविनायक यहाँ पे। रात की भोजन प्रसादी है यहाँ पे, एक गांव है मसन गांव। आज रात की भोजन प्रसादी नर्मदे हर।